रिमोट गन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एमपी ऑनलाइन से कुछ भर्ती की जानकारी बताएंगे। कार्यालय जिला छिंदवाड़ा, कलेक्टर कार्यालय जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की संविदा भर्ती निकाली गई है, कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पद, इसकी जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी देख सकते हैं। ज़्यादातर संविदा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उसमें सीपीसीटी की योग्यता और 12वीं मांगी जाती है। दूसरी जो भर्ती है एमपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग एजेंसी मंडी बोर्ड की भर्ती है। यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी सी अंडर एमपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग एजेंसी। ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल टिल 27/9/2024 तक इस भर्ती के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसकी योग्यता क्या है यहाँ पर हम क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम अंदर भी देखेंगे, पहले हम इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेते हैं। कलेक्टर कार्यालय जिला सीहोर मध्य प्रदेश में भी भर्ती निकली हुई है। यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय सीहोर में राजस्व विभाग के अंतर्गत लोक सेवा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पदों पर भर्ती निकाली गई है और यहाँ भी सीपीसीटी मांगा जाएगा। इसके जानकारी यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट ये ऊपर दिख रही है आपको। इसके बाद मध्य प्रदेश सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी में क्या है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट इन मध्य प्रदेश सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल टिल 30 सितंबर तक अवेलेबल रहेगा ये एप्लीकेशन। इसमें क्या लिखा है, वेरियस पोस्ट, ज़्यादा पोस्ट है इसमें, विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं। यहाँ पे क्लिक करके देखना पड़ेगा कितनी प्रकार की पोस्ट हैं। मध्य प्रदेश फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या भर्ती है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट। रिक्वायरमेंट इन फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल टिल 30 सितंबर तक अवेलेबल रहेंगे। और इसमें क्या है, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में भर्ती है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर एंड असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट अंडर एमपीआईडीसी। ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल टिल 10/10/2024 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक और नोटिफिकेशन है, एमपीएमसी एफएमसीजी क्लिनिकल क्लर्कशिप इंटर्नशिप है ये, काउंसलिंग December 2023, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एमपी मेडिकल काउंसिल एफएमसीजी। ये रजिस्ट्रेशन है, ये भर्ती नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये मेडिकल क्षेत्र की जो नोटिफिकेशन है, मेडिकल वाले इसे पढ़ सकते हैं, हम अभी सिर्फ यहाँ से बात करें। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे यहाँ पे क्या है अंदर। ये जो भर्ती बाहर दिखाई दे रही थी उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, कुछ एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या है इसमें। पहला नोटिफिकेशन जो है कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा का है, ये छिंदवाड़ा का है। इसके बाद दमोह का भी है डाटा कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
जावद एवं तहसील कार्यालय सिंगरौली के अंतर्गत कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा भर्ती ये भी है। जिला कलेक्टर कार्यालय सीहोर के राजस्व इसमें जो नोटिफिकेशन है डाटा एंट्री वाले हैं, लेकिन इसमें और भी जानकारी है। यहाँ पे रूल बुक और नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में दिया होगा, इसे ओपन करके देख सकते हैं। अप्लाई करने की लिंक जो है यहाँ पे साइड में दी गई है और लास्ट डेट यहाँ पे दिखाया गया है। ये पहला नोटिफिकेशन है कलेक्टर कार्यालय का, जिसकी स्टार्ट और लास्ट डेट दी हुई है 25/9 लास्ट डेट है। कलेक्टर रिक्वायरमेंट जो है ऊपर है, फिर इसके बाद फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, इसमें जो भर्ती है वेरियस पोस्ट थी इसमें लिखा हुआ था बाहर, इसको देखेंगे खोल के इसमें क्या है। इसका रूल बुक ओपन कर लेते हैं। रूल बुक में देखते हैं कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षा है। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल। दिव्यांग जनों की भर्ती है, नियमावली नीचे दी गई है। पूरी भर्ती जो है दिव्यांग जनों की है, दृष्टि बाधित और कम दृष्टि, बहरे, लोकोमोटर, ऑटिज्म, 313 पदों की भर्ती है और ये विकलांगों के लिए भर्ती परीक्षा है, जिसका वेतनमान है 25,300 से 80,500 तक और 18 से 45 वर्ष आयु मांगी गई है। ये सारा पीडीएफ आप दिखाई गई प्रोसेस के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।